तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी शॉप दिखी यहाँ पे, सूरज हैंडीक्राफ्ट्स, 174 नंबर है। तो एंटिक्स का मुझे वैसे भी शौक है, तो मैंने एक बार ज़रूर चेकआउट करते हैं ज़रा कि क्या सीन है, काफ़ी कुछ दिख रहा है यहाँ पर। भैया तो शूट कर सकता हूँ 2 मिनट में? या श्योर। आप थोड़ा सा अगर मुझे बता पाएंगे ना अपने एंटिक्स का, तो थोड़ा सा पता चल जाएगा मुझे भी और व्यूअर्स को भी थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा टूर दे देंगे। सर देखिए, ये यहाँ का अपना जो लोकल हैंडीक्राफ्ट होता है, हाँ जी, जयपुर जो होता है वो हैंडीक्राफ्ट के लिए इट्स अ वेरी फेमस प्लेस, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग। एक तो ये हैंडीक्राफ्ट है इधर का लोकल, सो आई विल शो यू क्या चीज़ है ये। दिस इज़ मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम, ये अंदर से सैम्पल पीस है, ये अंदर से पूरा एल्यूमिनियम होता है एंड मेटल के ऊपर पे फिर हैंडवर्क होता है। जैसे ये वाला है, इसको अपन बोलते हैं अम्बाबाड़ी हाथी, इसमें एलिफेंट का, कैमल का, हॉर्स का, इन सब का ऐसा सेट टाइप भी हो सकता है। तो एज अ सोविनियर सिंगल पीस भी बनते हैं। अच्छा, सारे साइजेस में है ये? जी हाँ जी, इसमें मैम सर 1 इंच से स्टार्ट होके और इसमें मेरे पास 8 इंच, इसमें बड़ा 12 इंच तक का साइज आता है। अच्छा, 1 इंच कौन सा है? 1 इंच ये वाला साइज होता है, जैसे ये मोर है छोटा सा। अच्छा, ये तो सबसे छोटा, ये 1 इंच का साइज होता है। ये 1 इंच का है, क्या बात है। और इसमें फिर मेरे पास जैसे ये हाथी रखा है अपना बड़ा, ये आपका 1 फिट का साइज है अपना 12 इंच का। तो एक तो ये हैंडीक्राफ्ट है इधर का लोकल, ठीक है। और दूसरा यहाँ का अगर आपने सुना होगा ब्लू पॉटरी होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जैसे ये आइटम हो गया, ये यहाँ का अपना सेरेमिक के जो होते हैं ड्रॉर्स, वो आइटम है। वुडन फ्रेम होता है, तो ये स्नफ बॉक्स के भी काम आ जाता है, जैसे इसमें आपने अपने इयररिंग्स वगैरह ज्वेलरी रख दिया, या फिर बहुत सारे उसमें आ जाता है काम में। एक ये हैंडीक्राफ्ट है यहाँ का, एक देखिएगा ये स्टोन हैंडीक्राफ्ट है सर, जैसे अपना पत्थर के आइटम है सारे इसके अंदर। हाँ जी, फ्लावर वासेस आते हैं। तो ये सब बनता यहीं पर ही है जयपुर में ही? सर जयपुर से 1 घंटा 1.5 घंटे के दूरी पे यहाँ पे मकराना माइंस है। अच्छा। जहाँ पे मार्बल की माइंस है उधर से, और वहीं से ये आता है सारा, ये उधर का ही है सारा अपना स्टोन। जयपुर में 2 काम होते हैं, एक तो मार्बल का इसको पूरा अपन शेप दे के, जैसे एलिफेंट या फ्लावर पॉट की शेप दे दी, दूसरा ये जो ऊपर वर्क होता है ये भी इधर होता है सारा लोकल। जी देखिए सर, बहुत ब्यूटीफुल। जब ये ओरिजिनेट हुआ था, इट वाज यू, अगर आप आमेर या सिटी पैलेस गए होंगे तो वहाँ पे जो दीवारों पे मार्बल पे काम हो रहा है वो यही वाले आर्टिस्ट है सारे। अच्छा। और वही, जी वही वाले सर जनरेशनल आर्टिस्ट हमारे पास है। जब ये ओरिजिनेट हुआ था तभी 18 कैरेट या 24-22 कैरेट गोल्ड में होता था। अब वो उसमें नहीं होता क्योंकि वो एक इकोनॉमिकल नहीं है। हाँ जी, लेकिन वर्क अभी भी सर वही है सारा। तो एक स्टोन हैंडीक्राफ्ट है, इसमें एज अ सोवेनियर अगर आप गिफ्ट देना चाहें, जैसे कि हम यहाँ पे आए हुए घूमने, छोटा सा कुछ आइटम है सोविनर, तो ये 200 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और ये मैं आपको प्रॉपर प्लास्टिक बॉक्स में दूंगा जिसमें फोम आता है अंदर। तो ये किसका मार्बल है? जी हाँ जी सर, ये पूरा स्टोन है, देखिएगा ये पूरा स्टोन की है ये दोनों। और इसका ऐसे सर बॉक्स आता है, जैसे ये वाला पीस है मेरे पास, एक पैकिंग किया हुआ प्लास्टिक बॉक्स में आएगा, ऊपर नीचे इसमें फोम भी आता है ताकि गिफ्टिंग पर्पस के लिए काफी। जी, गिफ्टिंग में अच्छा भी लगता है बॉक्स में, प्लस आपको उठाने में कुछ इशू नहीं होगा, ब्रेक नहीं होता। तो एक इस तरह का काम होता है सर। बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जैसे एक यहाँ का आयरन हैंडीक्राफ्ट होता है फेमस, दिस इज आयरन। ये सारी जितनी भी डॉल्स रखी हुई है सामने मेरे पास, इसमें हैंगिंग आइटम्स भी हैं, देखिए ये सारे हैंगिंग आइटम्स भी आते हैं इसमें। हाँ, तो आप वैसे एक बात बताओ, तो ये मैंने जब लास्ट टाइम जोधपुर गया था तो वहाँ पे मैं एक लोकल मैन्युफैक्चरर से मिला था, वो बना रहे थे। उधर भी बनता है, है ना? ओरिजिनेट उधर का ही है ये। वही कही है ना? जी सर, ओरिजिनेट उधर का ही है। ओनली डिफरेंस इज कि जो स्कूल ऑफ आर्ट होता है, यानी कि पेंटिंग स्कूल ऑफ आर्ट होता है, जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग अलग है, जयपुर में अलग तरह का काम होता है, किशनगढ़ में अलग तरह का काम होता है। तो ये चीज जो है हैंडीक्राफ्ट आयरन ओरिजिनेट उधर ही हुआ था, लेकिन अभी ये स्प्रेड हो गया और यहाँ पे जयपुरी आर्ट वाला जो है वो थोड़ा हमारा अच्छा, मतलब उसका रिस्पॉन्स है। बाहर जो एक्सपोर्ट भी होता है तो वो जयपुरी पेंटिंग वाला ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। ओके सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने यहाँ पे अलग अलग जो है स्कूल ऑफ पेंटिंग्स होते हैं, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स होते हैं, तो जयपुर का जो है पेंटिंग बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है डोमेस्टिक में भी और एक्सपोर्ट भी होता है। अब जैसे कि आइटम है अपना, ये ट्रे का सेट होता है, इसमें 3 पीस ट्रे आएगी। सबसे बड़ा जो है आपका ये वाला, वो अपना ब्रेकफास्ट ट्रे वाला साइज होता है। ओके, उससे छोटे फिर जो 2 हैं वो बोल्स एंड ग्लासेस के लिए होते हैं। ये सर ओरिजिनल हैंड पेंटिंग है। अच्छा। अब इसमें स्पेशलिटी क्या होता है, एक तो वुडन की जगह वी यूज MDF, क्योंकि MDF में जो होता है कि आपका ह्यूमिडिटी से या मॉइस्चर से कुछ होता नहीं है। MDF ही होता है जो हमारे फर्नीचर में, गेट्स वगैरह में काम आता है यूजुअली। दूसरा, ये जो पेंट करने के बाद आपको एक दिख रहा है, इसमें क्लियर जो शीन है ऊपर इसके, हाँ जी, शाइन है, तो एक सर क्लियर स्प्रे करते हैं हम इसके ऊपर। अच्छा। और उसके 2 कोट्स होते हैं,
तो अब उससे स्पेशलिटी है कि आप इसको यूज करें, वॉश करें, कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, वॉश भी हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, इजी। और एक तरह जैसे पीपीएफ कराते हैं हम गाड़ी पे, वैसे ही हो गया, उस तरह का हो गया, कोट हो गया। बस उसमें यह है कि वो आपका टेफ्लॉन होता है मटेरियल, इसमें कुछ एक अलग तरह का क्लियर मटेरियल होता है। एक तो ये आइटम है जी सर, पेंटिंग का। इसके अलावा सर जयपुरी पेपर मशीन को बोलते हैं, हाँ जी, वो ये आर्ट है। जैसे एक ही आइटम चलता है मोर का, ये सौंफ सुपारी के होते हैं बॉक्सेस। एक अपना आता है ट्रक, ये शोपीस भी है, ट्रक भी है, प्लस ये आपका कटलरी स्टैंड, टिश्यू स्टैंड, नैपकिन स्टैंड और यहाँ सॉल्ट एंड पेपर, उस काम में भी आ जाता है। नाइस। जयपुर का अगर आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम हैंडीक्राफ्ट भी होता है फेमस, स्पेशली आपको जोधपुर जयपुर ये वाली जो है बिल्ट। तो जैसे एक ये आइटम है सर, जयपुर का अगर विंड पैलेस हवा महल आप गए हो तो ये हवा महल का है एक अपना, एज अ सोविनियर अगर आप किसी को चाहें देना। और ये बहुत हैवी पीस है, एल्यूमिनियम का है ना ये? जी सर, दिस इज ऑल एल्यूमिनियम। देखिए इसमें लाइफ लॉन्ग कभी आपका ब्लैक पड़ना, खराब होना कोई दिक्कत नहीं। ऊपर ये जो पंचिंग होता है ये पूरा हाथ का काम होता है। साइजेस इसमें स्मॉल साइज भी होते हैं, बड़े भी हैं। एक जो मेरा सर, जैसे मैंने आपको बताया मेरा एक्सपोर्ट का काम है, सबसे ज्यादा जो हम इंडिया से यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, नेपाल में, भूटान में या फिर साउथ ईस्ट। ये मैंने एक्चुअली स्पीति में देखा है, बाउल होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, ये आपको ज्यादातर नेपाल में, भूटान में या फिर उस तरफ दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है बुद्धिस्ट कल्चर है, बट वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, तो बनता ही आइटम इधर है, इधर से शिपमेंट होता है सारा। अच्छा, जैसे ये अपना जो सिंगिंग बोल है, इसमें से ओम की आवाज आती है, ना सिर्फ नेपाल में भूटान में, जबकि साउथ ईस्ट एशिया में कई कंट्रीज में, यूरोप में भी, स्पेन में भी हमारा शिप होता है। एंड दिस इज प्योर ब्रास, इसमें कॉपर कंटेंट बहुत हाई होता है, जिस वजह से ऐसी आवाज आती है। तो ये ऐसे इजीली हो जाता है अगर कोई और करना चाहे तो, या प्रैक्टिस? बहुत इजीली, गिव मी योर हैंड, आप मुझे एक बार अपना पाम दिखाएगा, इफ यू विल बी एबल टू शूट वीडियो। आपका सर फिंगर आउटस्ट्रेच, आपका फिंगर या थंब इससे नहीं अपने को टच करना है। ओके, एंड यू होल्ड इट एज अ पेन, एंड जस्ट मोमेंट पे आपने हिट किया है, सेम मोमेंट पे आपको मूव करना है, और एक छोटा सा आपको प्रेशर अंदर की तरफ लगाना है, बस दैट्स इट। तो ये जो फ्रिक्शन हो रहा है उसी से साउंड आता है। अब ये सिंगिंग बाउल जो होता है, इसको करने के बेनिफिट्स भी होते हैं कई सारे, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होते हैं उसका, आई कांट प्रूफ, बट आई कैन टेल यू इसका हेल्थ वाला क्या होता है सर बेनिफिट। जब मैं ये कर रहा था तो आपको जो वाइब्रेशन फील हो रहा था जी, सो वॉट हैपन्स इज कि आपके जो ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, सो लाइक 70-80% ऑफ देम वेंट गो थ्रू योर हैंड, वो आपके हाथ के थ्रू जाती है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। वाओ, सो मतलब ऐसा कुछ रूल होता है कितनी बार कर सकते हो दिन में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। यूजली एक मतलब अनस्पोकन रूल ये है कि अगर मॉर्निंग में सुबह उठ के आप करें तो इट एक्टिवेट्स योर एनर्जी बोलते हैं, तो वो उसमें अगर आपका बिलीफ है तो वो चीज़ है, बट जो मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं वो एक फैक्ट। एंड व्हाट वी डू कि मेरा यहाँ पे जैसे हमारा एक रिटेल स्टोर है, ये 1961 में ये मार्केट क्रिएट हुआ था, तो शॉप हमारी उस समय से है, 1961 से ये पर ही है। यस, 174 नंबर। यस सर, एक्चुअली ये वाला जो पूरा है बाजार, ये जो इमाइग्रेंट्स आए थे 1947 में, उनके लिए हुआ था तैयार, उनको एज अ मतलब शॉप्स वगैरह देने के लिए। सो वी आर ऑल्सो फ्रॉम डेरा इस्माइल खान, तो ये हमारा ये उस समय से शॉप है 1961 से। तो भैया एक चीज़ मुझे बता दो यार, आप जैसे आपको किसी ने अगर अप्रोच करना है जैसे, अगर यहाँ नहीं आ सकता तो आप डिलीवर भी कर देते हो? सर 80% ऑफ द बल्क ऑफ माई सेल वो हमारा फोन के थ्रू ही होता है, आइदर वी डू एक्सपोर्ट्स और वी डू होलसेल ऑल ओवर इंडिया। और अगर होलसेल में नहीं, जैसे आपको अपने होम डेकोर के लिए चाहिए, अगर आपको एक पीस भी चाहिए तो भी क्या व्हाट्सएप के थ्रू हो जाता है। आई विल शेयर माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद यू, अगर कोई भी जैसे मुझे कॉन्टैक्ट करे कि मुझे ये आइटम चाहिए। And also we can share our own file. जैसे मेरी जो फाइल है उसमें 400+ आइटम्स है, I can share that file with you. And जिसको जो भी ऑर्डर करना रहेगा तो बहुत इजीली पैन इंडिया या ग्लोबल शिपिंग हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो मैं नंबर भी डाल दूंगा भैया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो जो भी ऑर्डर करना है। हमारा रेफरेंस भी आपको अगर देंगे तो हमारा चैनल है माइल चेजर्स। अच्छा, तो माइल चेजर्स का आपको अगर कोई रेफरेंस देगा तो उनका थोड़ा ध्यान रख लोगे ना? ठीक है सर, डन डन, बिल्कुल। तो ठीक है, माइल चेजर्स का आप रेफरेंस देंगे भैया को, एक बार कॉल कर लोगे तो आपको देख लिया आपने, बहुत कुछ यहाँ पे सामान मिल रहा है। और अगर सुवेनियर्स का शौक है, और जो यूजुअली होता है जब भी लोग राजस्थान आते हैं, स्पेशली जयपुर आते हैं, क्योंकि दिल्ली से इतनी पास है शॉप, तो आके आप खुद भी देख सकते हो। और अगर ऑनलाइन भी उनसे बात करोगे व्हाट्सएप के थ्रू, तो आपको पूरा अपना फाइल भी दे देंगे जैसे भैया ने बताया, तो हैसल फ्री प्रोसेस है। और ज़रूर आई रिकमेंड कि आप यहाँ पर आके ज़रूर चेकआउट ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे एक ऑरा ही इतनी प्यारी होती है कि आप दो तीन चीज़ें ऐसी उठा लोगे, नहीं भी लेने आओगे तो।